नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं विव इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के बगहा क्षेत्र से आ रहा है। ये एक्शन नहीं हुआ इसमें? जी एक्शन नहीं हुआ है, कुछ भी एक्शन। सीओ साहब बोल रहे हैं कि आप निश्चिंत रहिए, आपका जो कागज है सही है। हम आपका पदाधिकारी जाँच किया, सारा निर्धारण झूठा है। आज तक त्याग दिया या हम इतना गाँव में कभी खान जो लिखा है जमीन अखरा खाता से लिखवा है, क्योंकि ग्रामों लोग का खाता यहाँ नहीं चल रहा है। उनका जब हम बंदी है नहीं, यह महबू लोग का खाता चल रहा है। वह जमीन लो जो लिखवाया है रायफुल खां को छोड़ के, इन लोग का सही है, रायफुल खां का गलत। और रायफुल खां छवि बिताने के लिए आइटम तबाह कर रहा है। तो जमाबंदी ना अंचल में चल रहा है। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज, मैं हूँ शशिकांत गिरी। आज मैं पहुँचा हूँ पश्चिमी चंपारण की रामनगर प्रखंड रामनगर थाना के अंतर्गत पिपरा माफी। यहाँ पे दो पक्षों में जमीन विवाद है। चलिए इस मुद्दा पे हम बात करते, किस तरह की विवाद हुई है जमीन पे, यहाँ के जो लोग हैं उनसे मिलते और बात करते। मैं आपका सद्दाम हुसैन। अच्छा बताइए सद्दाम हुसैन जी, यहाँ क्या प्रॉब्लम है, यहाँ जमीन की कैसी विवाद है? सर विवाद यही हुआ है, जो रायफुल खान जमीन लिखाए हैं वो जमीन गलत लिखाए हैं, जो नूरजहां खातून जमीन लिखाई है वो जमीन सही है। तो जमीन कैसे गलत लिखा है इसके थोड़ा से लिखाए? वो जो महबूबुल हक के लड़का उनको जमीन लिखा है रायफुल खां, लेकिन उनका लड़का लिखा है, लेकिन जो जमीन लिखा है वो इकरामुल हक के जमाबंदी से रायफुल खां लिखा है, जिसका जमाबंदी 111 और 596, जो जमाबंदी ना अंचल में चल रहा है नहीं ब्लॉक में चल रहा है। तो एक बात बताइए जमीन कैसे हो जाएगा? और जो नूरजहां खातून जमीन लिखाई है वो कबला खाता 49 खेसरा 245, जमाबंदी 245 का चल रहा है, जो महबूबुल हक के नाम से चल रहा है। इस तरह की समस्या हुई तो कोई बड़ी पदाधिकारी के पास इसका आपने कंप्लेन किया? जी किया, सीओ साहब के पास भी गया। सीओ साहब 3-3 नोटिस किए, बोले कि आपका निदान न्याय मिलेगा, आपका कागज जो है वो सही है। कर्मचारी साहब को भेजे के जाकर आप देख कर आइए किसके दखल का दिया, किसके कबला जमीन किसके नाम पे है। कर्मचारी साहब ने देखे कि 245 जमाबंदी महबूबुल हक का नाम पे चल रहा है। जी तो इस तरह की समस्या है, तो इस तरह की समस्या में तो कोई एक्शन नहीं हुआ इसमें? जी एक्शन नहीं हुआ है, कुछ भी एक्शन। सीओ साहब बोल रहे हैं कि आप निश्चिंत रहिए, आपका जो कागज है वो सही है, हम आपका फाइल दाखिल करके जाएंगे। लेकिन जो सीओ साहब है उन्होंने 3 लाख रुपया रायफुल खां से लेकर और फाइल दाखिल रायफुल खां को किए हैं, और सीओ साहब बोल रहे हैं तो हम जमीन का मालिक है तो हम नहीं जानते क्या सही है क्या गलत है। थाना प्रभारी है, थाना प्रभारी सिर्फ झूठा मूठा केस कर करके हमारे ऊपर 5-5 मुकदमा कर चुके हैं। हरजनेट भी कराए, जब रायफुल खां मुसलमान है तो हरजनेट भी हमारे को कराए, हमारे पापा और हमारे पिटिया जेल भी जा चुके हैं। जी जो खेत 3 कट्ठा है वो 9 कट्ठा 13 धूर का खाई दाखिल कराए हैं, जो जमीन का काबला जमाबंदी 207 में 245 है, इस टाइम कैसे जमाबंदी 596 और 111 हो जाए। यहाँ के बुजुर्ग, आपका नाम क्या है? हमारा नाम है सैयद मोहम्मद नियाज, ग्राम माफी। समस्या है, किस तरह की समस्या है? रायफुल खां जो लिखा है जमीन अखरामू लोग के खाता से लिखवाए हैं, जो की अखरामू लोग का खाता यहाँ नहीं चल रहा, उनका जमाबंदी है नहीं, यह महबू लोग का खाता चल रहा है। वह जमीन जो लिखवाया है रायफुल खां को छोड़ के, इन लोग का सही है, रायफुल खां का गलत। और रायफुल खां ताज जबरदस्ती चाहते हैं कि कब्जा वब्जा करके हरजन रेट भी किए हैं, वो हरजन पता नहीं कहाँ का है कहाँ का नहीं, वो हरजन केस करके लोग वो डैमेज कर रहे हैं। और सीओ साहब भी इसको दाखिल कार्य कर दिए हैं गलत तरीका से, वो स्पॉट पर नहीं आया, दाखिल कार्य कर दिए, पता ना कैसे कर दिए, यहाँ नहीं आए थे और कर दिए। हाँ यहाँ पर नहीं आए थे, कोई भी नहीं आया था उनका अधिकारी, और वो दाखिल कार्य भी कर दिए, जो कि एक रामू लोग का जमाबंदी यहाँ नहीं चल रहा है, उनके नाम पर जमीने नहीं है, जो महबूल हक के नाम पर जमीन, और महबूल हक के नाम से जो अख्तर जो भी है लिखवाया हुआ है, इन लोगों का राइट बनता है, रायफुल खां का राइट नहीं बनता। क्या नाम है आपका? अशोक राम नाम हुआ। किस तरह की मामला है, कैसी समस्या है यहाँ? ये जो मामला है जो जमीन संबंधित समस्या है, सबसे पहले थी रायफुल खां जो जमीन लिखा है 111 नंबर, जो कि यहाँ पर नहीं है, और हम यहाँ पर 3-4 आदमी इस जमीन में लिए हैं, उनके भाई और बहन से जो लिखाए हैं, वह जमीन खाता 49 खेसरा 248 245 जमाबंदी 248।
और 245 ये जो है सो सही है। इसमें हम भी मालते लिए हैं जमीन चार धूर, जो कि रैपुल खां जबरदस्ती नूजहान खातू अली अख्तर पर इन लोग पर मैं प्रतिदंड कर रहे हैं, एक से एक मैंने केस कर रहे हैं, हरजन एक किस की है, रंगदारी भी किस की है, जबकि इस गाँव में किसी तरह की कोई विवाद नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी वह केस ऊपर केस करते जा रहे हैं और हमारे ऊपर कोई तरह का केस नहीं कर रहे हैं, चूँकि हम SC ST है ना, इसीलिए हमारे ऊपर उनका कोई गुण नहीं चल रहा है। इस तरह की समस्या है तो समस्या के लिए कोई वरीय पदाधिकारी के पास आप लोग गए थे? जी, इसमें जो भी जमीन लिए हैं सर, सब कोई CEO साहब के पास और कर्मचारी साहब के पास गए थे हम लोग, अपने अपने दस्तावेज लेकर और बोले कि इसमें है जो हम तय कर इसको मन कर देंगे। उसके बाद उन लोगों को बहुत आश्वासन दे दिए सर, जनवरी से लेकर और ये छठा महीना तक ले हम लोग का आश्वासन दिए, छठा महीने के बाद में जो है वहाँ पर है वो गलत तरीके से उनका जो है सब राम मंदिर चढ़ा पर आई हुई थी, मैंने इसी सब सिलसिला में कि कैसे कैसे क्या, उन लोगों को भी इस पर मैंने 44 लगा हुआ था, हमने पूछा कि सर 44 लगा इसकी चौहत्ती क्या है, तो उन लोगों ने कुछ नहीं जवाब दिया, चुपचाप चले गए हाँ। हम RJD का अध्यक्ष है रैपुल खां, वो बोल रहे हैं हम RJD का अध्यक्ष है, हमारा तुम लोग कुछ नहीं उखाड़ोगे, तुम लोगों जैसा आदमी को हम रोज गोड़ पर गिराते हैं। रैपुल खां का कहना में और इश्तियाक अहमद का कहना में, इश्तियाक अहमद जो जो क्या हरजन एक्ट का जो कोई अध्यक्ष है, उसी का जो चंद्रशेखर जी के पार्टी का अध्यक्ष है, उसके दामाद ये दोनों आदमी, जय भीम का अध्यक्ष है दोनों आदमी, एक RJD का अध्यक्ष है, जय भीम का चार पांच हरजन लोग को वोट कर लेते हैं और सिर्फ डरवाते हैं, हम फलना का अध्यक्ष है, तुम लोग हम कुछ नहीं करोगे। जब कागज का बात चल रहा है चलो कोर्ट से केस लड़ो, कोर्ट में हमारा भी केस चल रहा है, आपका भी केस चल रहा है, सिर्फ थाना में पैसा देते हैं और थाना से हमारे ऊपर केस करा रहे हैं, तुरंत एक और आवेदन दिया है हमारे ऊपर केस करने, 7 आदमी के नाम दिए, 4 आदमी हमारे घर के और 3 आदमी नियाज मियाँ के घर के, सिर्फ बोल रहा है थाना से कर दी, थाना से कर दी, थाना से कर दी, जब जो होता कोनो बात तो थाने से कर दी, यहाँ ना पंचायत में ना यहाँ पंचायत ना मन पंचायत भरल का है, एक सर बात बताइए, पंचायत भवन भावल पंचायत जो है 7 गांव का पंचायत है, इस पंचायत का मुखिया भी रह चुके हैं, लेकिन जब पंचायत होता है तो पंचायत भवन में होता है, थाना में मत होता है पंचायत, वो बोल रहा है थाना में आओ पंचायती करने के लिए, थाना में क्या करने पंचायती करने के लिए जाए, ये थाना से पहले उनकी के वकील के घर राज दुबे जी के घर पे हमारे वकील भी गए थे, उनके भी वकील गए थे, वो बोले थे कि जमीन 50-50 कर लो, झगड़ा लहर खत्म हो जाए, जब उस टाइम नहीं मार रहे तो इस टाइम थाना में हम क्या करने के लिए, हम कहा पंचायती करने के लिए जाए, अगर उनको पंचायती करना है तो भावल पंचायत में आकर कबला पंचायती करें। हमारा नुकनी नसा। अच्छा क्या तरह के समस्या भी है कि समस्या क्या बा बताई दो क्या दिक्कत पर हुआ सर? समस्या ये बा ये पहले हम जमीन भी खोले बन दोस्त 19 है आ फिर बाद में वे हमारा का फिर 15 जमीन लिख ले बा अब ये जमीन खतरा उ को तले जी ना जमीन हमार हम पर हर जाने कौन कौन केस को के पुलिस भेज थाने पकड़वाओ थाने जेल भेजवाओ थाने तो एक रखत के उ साहब के लगे ना कोई जाने बहुत साहब के लगे बैल बन जा कोई नहीं के सुनो उ सब बुझा तक खरीद ले लेबा हां रात गन भेज त 5 गो 6 गो ए ल फुमन के भेज त पकड़वाओ खतरा मार को ले जी गोरा तुरवा दी पकड़ ले तो पकड़ ले जाई हमारा बेटा के कहल है जो पकड़ा जाइए तो उनको गोड़ हाथ मार के तुरवा दी। क्या समस्या है आपका? समस्या यह है सर कि 400 जमीन हम जो लिए थे वो रैपुल का अपने आदमी को भेज कर और हमारे जमीन का जो है इसमें बाउंड्री हुआ था वो बाउंड्री तोड़वा दी जिसका वीडियो हमारे पास है, जब बाउंड्री तोड़े थे लोग हमने वीडियो जबरदस्ती लोग कर रहे थे, हमने रोकने की कोशिश किया लेकिन लोग नहीं रुके। ये जो है देखिए यहाँ से 4 फीट का यहाँ से लेकर वहाँ तक ये 3 गो आम का पेड़ हमारा ही है और आगे भी बाउंड्री टूटा हुआ है। अच्छा ये यही बाउंड्री? हाँ यही बाउंड्री, थोड़ा बाउंड्री भी का जो है दवाल देखिए यहाँ से लेके वहाँ तक टोटल है ये जो सर हम लिए हैं आदमी लोगों नहीं माना तो हम क्या किए उसका एक वीडियो बना बोले कि भविष्य में चल कमाते हमारा ये काम आए बोले कि ठीक है बाद में अपना सोए सरिया लीजिएगा। उसके बाद में उन्होंने इस पर भी मारते कि कौन कौन लोग आए थे तूने कैसा लोग आए थे इसमें भूषण राम आए हुए थे दक्षिण टोला के जय भीम के जो उनके जो पार्टी है जो इश्तियाक अहमद का जो यहाँ पार्टी चला रहे हैं जय भीम का उन्हीं में के लोग आए हुए थे 5 लोग 6 लोग थे यहाँ पे बुला कर लाए थे पैसा के कॉल पर कि छोड़ो यहाँ पर छोड़ो अब जमा कर लेकिन उन लोगों ने जब यहाँ गाँव ने लोग पड़ा भी यहाँ से यहाँ से लोग चले। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रौफुल आजम खान हुआ
और पंचायत के पूर्व मुखिया पति हुए। अरे अभी पिपरा माफी में जो जमीनी विवाद है, किस तरह के विवाद है? वो अख्तर अली और जो है चांद मिया के पत्नी के नाम से जो जमीन है, वो पूर्व में खुर्शीद मिया और रशीदुल मिया जो है इश्तियाक अहमद को लिख चुका है, और उसका बाउंड्री भी इश्तियाक मिया के द्वारा करवा लिया गया। बाद में जाकर के जो है वही रशीदुल से बाद में जाकर जमीन वो रजिस्ट्री करवाया है, जो सरासर है ना गलत है, फर्जी है। उन लोग का कहना है कि आप गलत है, तो क्या प्रमाण है जो आप सही है? प्रमाणित कुछ प्रमाणित यह है कि ये दस्तावेज देखिए कि हमारा वही खाता कैसा सेम है, वही रशीदुल के द्वारा रशीदुल और खुर्शीदुल के द्वारा जो है रजिस्ट्री किया हुआ है, और उनका भी दस्तावेज देखिए सेम खाता कैसा है, और वही रशीदुल खुर्शीदुल जो है 6 महीने के बाद रजिस्ट्री को किया है। खाता खेसरा थोड़ा बताइए, खाता कैसा जो है 49 खाता है, खेसरा 248 आज जमाबंदी 245 है, इश्तियाक मियां के भी जमीन का खाता 49 है, खेसरा 248 है और जमाबंदी नंबर 245 है, कहीं से गलती नहीं है, उसका जितना बात है निराधार। उन लोग का कहना है सर जी आप सीओ साहब का 3 लाख रुपया घूस दे के अपना काम करवाए। देखिए ये गलत बात है, सीओ साहब के यहाँ न्यायालय चला, उनका वकील था मेरा वकील था, दोनों आदमी का बहस चला, देखा गया कि जमीन पहले इनका रजिस्ट्री है, इनका पहले से बाउंड्री पूरे जमीन 6 कटा का बाउंड्री है, दखल कर जाए वो खाई चाकिल कर दिए और उसका जो है कैंसिल कर दिए। ये घूस है रिश्वत की बात तो गलत है, निराधार है, ये सब गलत इल्जाम किसी अफसर को लगाना असर नजायज है। पहले रजिस्ट्री किनकी? पहले इश्तियाक मियां का रजिस्ट्री है, बाद में उसका रजिस्ट्री है। अच्छा उन लोग का कहना है जो अपने पार्टी के दम पे, आप जिला अध्यक्ष है जिस पार्टी, पार्टी के दम पे उनको धमका रहे हैं, उनको डरवा रहे हैं, ऐसा है। देखिए आज तक इश्तियाक मियां वो 6 कट्टा घराड़ी जमीन में बीच में ले जाकर के इधर 2 गो मड़ई बना दिया है, आज तक इश्तियाक मियां वहां नहीं गए हैं, क्योंकि औरत सबको वहां आगे कर देता है, झूठा झूठा वो भी केस करवाया है, एक हरजन अर्जुन नाम से करवाया, एक चांद मिया के औरत जो भाव है उसका लगती है उससे भी जो है थाना से लेकर एसपी का के आवेदन दिलवाया, उसके बाद वो अपना औरत से अख्तर मिया जो है कोर्ट में जो है औरत से केस करवाया, हम लोग गलत झूठा केस करवाया है, मेरा लड़का दिल जो है बांग्लादेश पढ़ता है उसका भी नाम दिया है, डॉक्टरी कर रहा है, और जो है झूठा झूठा केस 4-5 को आवेदन दिया, लेकिन अफसर पदाधिकारी जांच किया सारा निर्धार है झूठा है, आज तक इश्तियाक मियां या हम पिपरा गांव में कभी उस जमीन पर नहीं गए, जमीन पे कभी आप नहीं गए? नहीं गए, कभी नहीं गए, जितना बात कर रहा है सब गलत है, एकदम गलत है, उसको तो इतना पता नहीं है खाता कितना रकबा नहीं पता है, वो आदमी जो है हमारा वहां राजनीतिक कैरियर है भावल में, भावल के पूर्व मुखिया है, हमारा सम्मान है, मेरा छवि धुविल करने के लिए मेरे विरोधियों का जो है। जब मामला हो आपके सपनों का घर का तो समझौता कैसा? जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ आपको सभी प्रकार के मकान का 2D 3D नक्शा या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत ब्यौरा, पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के सबुनी मेन रोड, जिसके प्रोप्राइटर हैं इंजीनियर मसूद आलम, जिनका मोबाइल नंबर 9162052355। साजिश है इसको उकसा करके और बाला फुसला करके इसको उल्टा सीधा समझा करके हमारे छवि को बर्बाद करने के लिए, छवि को बिगाड़ने के लिए उस व्यक्ति को चढ़ा करके ऐसा झूठा झटका केस करवा रहा है, हमारे जमीन पर कब्जा करवा रहा है, ये सरासर नजायज है। मेरा पहले से बाउंड्री है, बाउंड्री के बीच में मरई डाल रहा है, इसके ऊपर 188 387 386 रंगदारी डकैती चोरी सारा केस उसके ऊपर हो गया, ट्रू हो गया, यहाँ पे सारा अफसर गलती है, डीएसपी साहब ट्रू कर दिया है, बोलिए सब अफसर गलत है। जो ईंट का दीवार है उसका मेरे भाउचर आप देख लीजिए, भाउचर है मेरे पास, वो ईंट जो गिराया है
वार्ड पार्षद में जो लड़का जीता है सबनी का सारा ईट गिरा है, ईट का पूरा वाउचर ईट वाला से पता करिए, ईट हमारा है, बाउंड्री हमारा, वीडियो है, सब दीवार खींचा रहा है चारों तरफ से, सबका वीडियो है, शांतिपूर्ण हमारा बाउंड्री हो गया है। बाद में चढ़ाने पर मेरा 26 दिन के लिए सर, जब बाउंड्री हो रहा था तो उस समय रोकने कोई गया था क्या? ना ना कोई नहीं, आगे का बाउंड्री है, बाउंड्री हो गया मेरा, साल भर बाउंड्री की हो गया, एक साल पूरा हो गया, इधर ही दीवार खड़ा कर दिया है तंग तबाह करने के लिए, हमारा छवि बिगाड़ने के लिए है, तंग तबाह कर रहा है। क्या कानून पे आपको विश्वास है, प्रशासन पे विश्वास है? कानून पे विश्वास है तभी तो जमीन पर झगड़ा झगड़ा लहर नहीं करने जाते हैं, वो तो फेरे में है कि मेहरारू चेहरारू से मारपीट करा करके वो कैसे लगते हमने प्रतिष्ठा बचाने के लिए जमीन पर नहीं जाते हैं। देखने के बाद ये पता लगता है, देखा जाए दोनों, आप देख सकते हैं दोनों कागज है जमीन का जो है, इसमें देखा जा रहा है जी इनका जो रजिस्ट्री हुआ है, मेरे कैमरे में नजदीक लाया जाए और यहाँ देखा जाए 27/12/2019 को हुआ और हाँ इसका, और देखा जाए दूसरा, देखा जाए दूसरे पक्ष में 19/12/2022 में दूसरा हुआ, इस हिसाब से आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं इनका हुआ है। इस त्याग का पहले हुआ है 27/12/2019 को हुआ है और 19/12/2022 में है ना, इन अख्तर मियाँ के पत्नी और चांद मियाँ के पत्नी को, पीपरा वाले को हुआ है। कागजी करवाइए, आप देख सकते हैं कैमरे में दिखा सकते हैं आप जल्दी, कागज में जो सामने वही चीज बोला जा रहा है, बिल्कुल देखा जाए जो कागज में बिल्कुल वही चीज यहाँ दिखाया जा रहा है। देखा जाए इस तरह की कार्रवाई जो है प्रशासन को सही दिशा में करना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी एकदम अलग अलग दिखना चाहिए। इस तरह की खबर देखने के लिए वेब इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।